हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे चैनल रिंकी की रसोई में। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिली मशरूम की रेसिपी। यहाँ पर मैं ताज़ा मशरूम ले ली हूँ, प्याज, हरी मिर्च, लहसुन आदि, कैप्सिकम, मैदा, कॉर्नफ्लावर, रेड चिली, टमाटर सॉस, सोया सॉस, विनेगर। मशरूम को मैं अच्छी तरह से धो ली हूँ और इसको बॉयल कर लूँगी इसमें थोड़ा सा नमक डालकर 5 मिनट के लिए। मेरा मशरूम अब उबल चुका है, मैं इसे एक बर्तन में निकाल लूँगी और उसमें ठंडा पानी डालकर अच्छी तरह से धो लूँगी। मैदा, कॉर्नफ्लावर, नमक, रेड चिल्ली पेस्ट, थोड़ा सा पानी डालकर उसका पेस्ट बना लूंगी। मेरा बैटर बनकर तैयार है, अब मैं इसमें मशरूम को डालकर कोट कर लूंगी। मैं अच्छी तरह से इसको मिला लूंगी। मैं कढ़ाई में तेल गरम कर लूंगी। अब मैं एक एक करके सारे मशरूम को तल लूंगी। देखिए दोस्तों, अब मेरा मशरूम तल के तैयार हो चुका है, मैं इसे एक एक करके निकाल लूंगी। अब मैं उसी तेल में लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, प्याज, कैप्सिकम डालकर भून लूंगी। मेरा प्याज और कैप्सिकम हल्का भून चुका है, अब मैं इसमें विनेगर, सोया सॉस, रेड चिली सॉस, टमाटर सॉस डालकर अच्छी तरह से मिला लूंगी। अब मैं इसमें 1 चम्मच चीनी डालूंगी और थोड़ा सा पानी डालकर अच्छी तरह से मिला लूंगी। अब मेरा ग्रेवी बनके तैयार है, अब मैं इसमें सब मशरूम के पकौड़े को डालकर अच्छी तरह से 2 मिनट तक पका लूंगी। अब मैं इसमें स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डालूंगी। अब मेरा मशरूम चिली बनके तैयार है, मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूंगी। मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।